ये है हम लोग का नया गाड़ी एंटोक रेस्क, एंटोक रेसिंग एडिशन। और अभी हम लोग इसको इंक क्यों पहुँचाएगा, बहन को सरप्राइज देगा। एक्चुअली 13 को पहुँचाने का था, 12 को लेना था, 13 को पहुँचाना था, 12 को लेना था एंड 13 को पहुँचाना था। सो हम लोग 10 तारीख को लिया एंड 11 तारीख को वापस पहुँचा। आज 11 है, सो हम लोग सरप्राइज देगा। सो बताया भी नहीं हम लोग आ रहे हैं, बोल के इंक क्यों। बट वन थिंग रिमेम्बर, जब आप यहाँ पे आते हो तो ऊपर देख के थोड़ा मतलब बच के रहना, क्योंकि अभी नया नया कॉन्स्ट्रक्ट हुआ है तो पत्थर बहुत गिरता है इस पॉइंट पर, लाइक आगे और भी गिरा हुआ मतलब। भाई प्लानिंग क्या होगा? नहीं ऐसे बोलेगा, कुछ कोरियर आया है बोल देगा। क्या है बोलने से, पापा कहा, मेरे पापा का वो ये पान कार्ड आना था, पान कार्ड आया है बोल देगा। मैडम आपका वो एक कोरियर आया है नाम से, कहाँ पे आया? अभी ये हम ऊपर में है। क्या क्या कर रहे हैं ना? पेन कार्ड है शायद। ओके हो गया। ओके भाई, बेर को केलिंग केलिंग बजाओ तो बजा के केलिंग। हे इस रेडी बाय बाय, प्रेस द लॉर्ड एंड मम। हां हेलो, निकाल दे। तो इनके जाने का दो वो होता है, रास्ता होता है, जैसे एक दो है आप मारियांग से होके जा सकता है और एक दो है बोलडंग पांगे होके निकाल सकता है। तो हम लोग आज मारियांग से होके जाएगा, क्योंकि मारियांग से निकलने से ज़्यादा शॉर्ट रहता है इनक्योंग जो रास्ता है। तो आज हम लोग CHF जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर पासीघाट में है, तो यहाँ से आप लोग निकलेगा अभी। एंड ये है एकदम ब्रांड न्यू 23 किलोमीटर ओनली, कल शाम हम लोग चलाया है और टाइम है 8:13। तो अभी आप लोग यहाँ से 8:13 को निकल रहे हैं पासीघाट, राइट फ्रॉम पासीघाट। तो कितना वो हमें पहुँचते हैं, सो आई होप हम लोग थोड़ा लेट होगा, क्योंकि हम लोग बीच में कुछ फोटो शॉटो हो जाएगा। तो बीच में कुछ मंदिर ये सब भी है, वो सब भी मैं कोशिश करेगा दिखाने के लिए जो इनक्योंग और पासीघाट का बीच में है। तो एक्चुअली अभी आप लोग जो है जो GTC में है, तो GTC का एक अच्छा ये है कि आपको यहाँ पे हर तरफ जो है रस्टिंग मिल जाएगा, एवरी वन आपको ऐसे रस्टिंग जो है मिल जाएगा, जैसे कि लुक एट दिस ऑल थिंग। तो इसलिए एक GTC का ऊपर एक फन मीम बनाया है कि GTC इज ऑल्सो नोन एज ए लैंड ऑफ रस्टिंग, क्योंकि आपको यहाँ पे हर जगह एवरीवेयर जैसे जस्ट 5-6 मीटर के अंदर में आपको 2-3 जो है रस्टिंग का जगह जो है मिल जाएगा। वो देखिए वो भी रस्टिंग जो है, आप जैसे GTC पार करेगा तो आपको 1 किलोमीटर अवे में आपको मिल जाएगा हमें रानेगा। तो रानेगा से होके आप लोग अभी निकलेगा, क्योंकि हम लोग मारियांग की तरफ से होके निकल रहे हैं। तो ये है सियांग रिवर, तो जैसे आप रानेगा पार करेगा तो आपको डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप हाई कंटिन्यू राइट साइड लेने से मेबो होके जाएगा। तो आप हम लोग निकल रहे हैं लेफ्ट, क्योंकि आप लोग मारियांग साइड से निकल रहे हैं। तो इनके 118 किलोमीटर, तो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है सारा चीज आपको दिया गया है, पासीघाट मारियांग इनक्योंग रोड ये है। तो जेरिंग 27, मोपोम 50, मारियांग 72 एंड इनक्योंग 118 किलोमीटर। तो ये तीनों मेरा पार्टनर है, बाद में आलू दो दो करके आएगा इनके उसे आगे जो फोटो से तो मान लेगा क्या, फोटो से तो मान लेगा क्या, आगे में फोटो से तो मान लेगा क्या। फोटो सेशन कर लेते हैं ओनी स्कूटी का साथ। तो नाउ ये है पोंगिंग व्यू। तो मैं थोड़ा सा आपको उठा के देखता हूँ, ये है ऊपर। उई उई बच के रहे ना। मुझे नहीं लगता इनक्योंग में अभी मौसम ठीक है, बारिश हो रहा है, बाकी का तो थोड़ा ठीक ही है। ये है यमुना एंड दिस इज एक्चुअली सियांग और सियांग में लोगों का जो है, एंड वो है पोंगे और वो है मेरा टीम अभी फोटो मार रहा है। तो एक्चुअली ये पोंगिंग प्लेस, पोंगिंग व्यू, मेरा पीछे में जो है वो पोंगिंग है और उन्होंने का रोड अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है न्यू ने, आज तो शायद गाड़ी चलना शुरू हो गया। तो ज़्यादा दिन नहीं महीना नहीं हुआ है जो रोड बन रहा है। एंड दिस इज यमुना एंड दिस इज सियांग, और यहाँ से अभी
सियांग बनेगा एंड सियांग जो है यहाँ से जाके आसाम में ब्रह्मपुत्र बन जाएगा। सो ये हाँ ओके फोटो मारो रुको 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 हाँ चलो विश बॉस लाइक दिस ओ बाय बाय रैंडी ऑर्टन और क्या था रैंडी ऑर्टन या और ये जो एक्चुअली से व्यू बहुत सुंदर रहता है पोंगिंग व्यू। सो आप जब भी हमें आना आसाम ब्लॉग ये सब का अरुणाचल का जिसका ड्रोन है वो सब इसने यहाँ में ड्रोन शॉट लिया हुआ है। सो आप देख लेना इसको। सो अभी आप लोग फिर निकलेगा ये क्यों। सो ये है सब मेरा टीम माय कैमरा मैन मिस्टर जॉन थरक और ये मॉडलर एक्चुअली ही ऑल्सो ए यूट्यूबर सिंगर। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक बार जरूर विजिट करना एंड सपोर्ट करना। ही इज माय ब्रदर एंड वन मोर गाइस ब्रो जल्दी आओ पेशाब कर रहा है होगा कुछ नहीं बोल आ जा। सो अभी हम लोग निकलेगा फिर से वंस मोर टाइम चल एक बार फोटो फिर हो जाए भाई एक बार भी फोटो हो जाए भाई क्या बोलेगा। हे गाइस आई एम श्योर यू आर डूइंग गुड भाई बाद में आएगा तब पता चलेगा। आ जा ब्रो चल अभी निकल अच्छा हम लोग फोटो तुम भी करा जा ओए सिंगल 1 2 3 मिला ले भाई मॉडलर बिहाइंड द सीन एंड मिस्टर तारक ओतावा बिहाइंड द सीन। चलो भाई हमको भी ले लो चलो नहीं नया स्कूटी तुम लोगों को नया स्कूटी में नहीं लेना क्या हमको तो नया स्कूटी में लेना। चलो दिस इज बिहाइंड द सीन और ये मार्टिन अपना कैमरा खींचते हुए फोटो खींचते हुए अपना मॉडलर सुंदर ना सभी कभी कभी कैमरामैन का सुंदर कमाल होता है। हां ये है जॉन भाई जॉन तारक कैसे करेगा क्या एंड दिस इज तोवा का के एंड कैमरा मैन इज माय मॉडलर कोई ये है ना मतलब न्यू एंड फॉर बेस्ट एडिशन प्राइस तो 8300 अच्छा अच्छा 8000 भाई लो 8000 ओ 88300 बॉयस आ रहा है कैमरा बॉयस दिख जाएगा उधर से अगर आप स्कूटी परचेस करना चाहोगे तो ओके ये एक्चुअली इनका तीन वेरिएंट होता है एक जो है 80 में आ जाता है मतलब 80 में आ जाता है और ये है 84 में एंड एक जो है 88 होता है। सो एक्सेसरीज को मिला के मेरा 88300 वाला है। सो मेरा मिड रेंज वाला है एक्चुअली स्क्वाड एडिशन है उसका जो है 18 में पड़ता है ये है रेस एडिशन। ओके थैंक्स कमला अभी सो दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हो एंड तक ले लेना मजा अच्छा है गाइस और अगर हम लोग जा रहा है ये क्यों यहां से निकले ओके जरूर लेंगे हम भी। ओके सो हियर वी गो लेकिन अब अगर पासीघाट से ट्रैवलिंग करना सिंचोंग तक करेगा तो आपका टोटल नेशनल हाईवे जो है सीधा आप तो यिंचोंग तक चला जाता है। सो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक लैंडस्लाइड का कुछ चीज ना हो। सो हियर इज मारियांग 57 किलोमीटर यिंचोंग 103 किलोमीटर भाई पाडू केव घुसेगा ना वो मंदिर होल वाला पाडू में एक तो होल वाला मंदिर है उसमें घुसेगा ना। ओके और ये है सिली विलेज और ये सब उन लोगों का गोदाम है ये सब वेटिंग पॉइंट तो हियर इज द विलेज। ये पहुंचने के बाद सिली पहुंचते आपको जेहिंग मिल जाएगी जेहिंग विलेज और यहाँ का सिटीजन लोग होगा ना उन लोग बाहर का अभी तो एरिया को पहचान नहीं जैसे इनको 85 किलोमीटर होगा कैब घुसेगा ना
ऊपर में याद है। चल ऊपर में आजा भाई, बड़ा ही ना रास्ता इधर में। यह हम लोग अयोध्या पर आगे जाते हुए भाई भी है। बताओ हाँ। आप जैसे जैन क्रॉस करके भाई कितना किलोमीटर होगा भैया? 3 ऐसे कुछ होगा ना? 5 हाँ। ऐसे 5 किलोमीटर के बाद आप यहाँ में जो है पाडू का एक केव है, यहाँ पे हॉल है और इसलिए शिव जी का एक्चुअली वो है, तो ये सब चीज़ है। तो इफ यू आर बिलीवर तो आप यहाँ में आके जरूर विजिट कर लेना, तो वही आपको दिखेगा अभी। तो ये जगह को पहचान लेगा। तो हम लोग जो है कैब में जा रहे हैं, यह पादू का सो हियर इज द कैब। उन लोग का क्या बोलते अंदर घुसते क्या हाल है? सो ये है कैब, पादू कैब। सो अगर आप लोग आते हैं तो जरूर मारियांग यिंगक्योंग तुतिंग तरफ आने से, मारियांग साइड से आने से आप जरूर विजिट करना। और अगर आप इफ यू आर आउटसाइड आउट बाहर का स्टेट होने से आप जरूर आके विजिट कर लेना। तो अगर आप मारियांग साइड तुतिंग यिंगक्योंग निकलने से आप जाने जैसे सीढ़ी आगे पास का तरफ आने से सीढ़ी के बाद और सॉरी जेइंग के बाद 5 किलोमीटर ऐसे के बाद ये मिलेगा। सो इसमें आप विजिट कर सकते हैं इफ यू आर बिलीवर बना रहे ओके। उसके बाद अगर आप बाहर स्टेट का अरुणाचल से बाहर से अरुणाचल आने से जरूर विजिट करना पासीघाट से, या आई थिंक 30 ऐसे कुछ किलोमीटर का है, या से यिंगक्योंग अभी 98 किलोमीटर है। सो ये सब याद रखना आप। तो हियर इज द ब्रो, तो एक तरह सो ये है शिव जी का। सो ये सर सारे हाँ ब्रो हाँ ओके मैं भी आ रहा हूँ उसके बाद। ओके मैं भी आ रहा हूँ। भाई बेर को केलिंग केलिंग बजाओ तो फेस रेडी बाय बाय प्रेस द लॉर्ड एंड मम अप प्रेस द लॉर्ड एंड मम अप ठीक है। हम लोग का जर्नी को सेफ रहने देना एंड आप जरूर यहाँ विजिट करना अगर आप बाहर स्टेट का तो अरुणाचल में आने से आप विजिट करना। पासीघाट से अराउंड 30 किलोमीटर है, तो आप विजिट करना शिव जी का मंदिर गणेश सबका है। सो भाई दोनों भी फोटो खींच लो। ओके प्रेस द लॉर्ड पार्टी है क्या? प्रेस द लॉर्ड पार्टी दोनों। सो हियर इज द पादू कैब। सो ये प्लेस ऐसा देखते हैं, तो रिमेम्बर ये जगह को आप देख लेना अगर आपको कन्फ्यूज होगा तो। एंड ऑल दिस थिंग ओ भाई हाँ, अगर वेदर ठीक रहने से उसमें भी इंक्यों में भी एक बना लेगा। पानी पी लो बहुत मजा आएगा भाई। लेकिन सुसु किसने किया होगा? किसी किसी ने तो पी कर दिया होगा भाई। वहाँ से रख पीगा क्या? वहाँ से पियो ना ब्रो का जगह। वाह पानी बहुत सन्ने है सो कोल्ड या तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जाके जरूर विजिट करें। ओके सो ये जगह ऐसा कुछ देखता है। सो रिमेम्बर जैसे पासी यिंगक्योंग जो है 84 किलोमीटर होने से पहले जो है ये मंदिर पड़ता है, तो आप इसको जरूर याद रखना। तो ये है पादू विलेज, पादू बस्ती। Now here we are in Mofong. So आप
मारियांग पहुँचने से पहले मोपोम में ये सब में रुक लेना, ये सब में छोटा छोटा दुकान है, अगर यहाँ पे आप नहीं करेगा तो आपको आगे मन ही मिलेगा जब तक मारियांग नहीं होगा। तो अभी यहाँ में जंगल ही जंगल होगा। सो अभी सब ड्राइवर चेंज, अभी ये ड्राइवर ये अभी पीछे और ये अभी न्यू गाड़ी चलाएगा और मैं ये को चलाएगा ठीक होगा। अभी मैं इसको चलाता हूँ R15। So here is driver. Not driver. Oh, driver, बहुत जुग रहा है वो। हम लोग अभी पहुंच गए राने। ये है एकदम आपको कहीं में भी आपको चाहे मट्टी मिलना मुश्किल है, जितना भी मट्टी आया ना ये सब बाहर से लेके आके जो है साइड में कोना में लगाए। सो ये रोड को कंप्लीट करने में 4.5 ईयर लगाए। सो जितने हमें देख रहे हैं आपको हमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर देखा देगा। सो हमें बहुत सारा जो है एल्बम भी शूट हुआ है जो है अरुणाचल का, एंड हमें मॉडलर एंड फोटोग्राफर। सो ये है सिपोंग जो नीचे में है, सिपोंग कोरोंग, एंड वो जो देख रहे हैं वो है हम लोग मेरा होम टाउन, मेरा गांव दामरोह। और अब हो सके तो यहाँ में दिसंबर से सितंबर से लेकर दिसंबर में आके विजिट करना है, हमें आपको बहुत सारा यहाँ का सुंदरता तब दिखाई देगा जब खेती शुरू हो जाएगा। वीडियो ले रहे तो तुम होगा, वीडियो ले लो पहले को बिहाइंड द सीन यूट्यूबर बिहाइंड द सीन पहले कर लो भाई, कैमरा मेरा हाथ है। बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना मानो, तीन बंदर गांधी जी का। ओके क्या ये पहाड़ के बारे में कुछ बोलना चाहोगे सर जी? यस सर, एकदम बहुत कूल लग रहे भाई, कुछ देख लो। हां कुछ देख, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग अस। सो दिस कुछ अबाउट दिस माउंटेन। ओके कैन से दिस इज अ वेरी ओल्ड माउंटेन एंड इट हैज दिस यू नो दिस रोड हैज बीन constructed under 4.5 years. Okay. Yes, I heard from you. So you can see the view. See. A rocky, rocky road. Just show once more. Main ek rakta la, ek rakta la. Aaj wo model mein. Kitna bola tha phone? Okay, theek hai. So here is the runway. बट वन थिंग रिमेम्बर, जब आप यहाँ पे आते हो तो ऊपर देख के थोड़ा मतलब बच के रहना, क्योंकि अभी नया नया कॉन्स्ट्रक्ट हुआ है तो पत्थर बहुत गिरता है इस पॉइंट पर, लाइक आगे और भी गिरा हुआ है। सो अभी यहाँ से मारियांग 5 किलोमीटर, उसके बाद गोबुक, सिमोंग, देन यिंग्योंग। सो अभी ज़्यादा नहीं, सीधा यिंग्योंग में भी आपको ले जाएगा। सो दिस इज माय विलेज, माय डोलुंग। ओके हियर वी गो, एंड हिज बोट दरुक तलांग। सो ये था मेरा होम विलेज दामरोंग। तो अभी हम लोग निकलेगा फिर से यिंग्योंग, हम लोग मारियांग पहुंच गए। मारियांग टाउन तो हम लोग नहीं घुसेगा, गोबू गया से 20 किलोमीटर, यिंग्योंग 46 किलोमीटर। सो हम लोग 1 आवर से ज़्यादा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये है मारियांग। सो अगर आप आएंगे तो विजिट जरूर करेंगे मारियांग। सो हम लोग यहाँ से जाएगा यिंग्योंग और दिस साइड जाने से मारियांग होगा। सो मारियांग टाउन जाने के लिए अभी साइड हम लोग अभी जा रहा है यिंग्योंग। या सो हियर इज द मारियांग। मारियांग का ऊपर में पूरा टाउन है और यहाँ पे गाड़ी रुक गया। पैसा
भाई ले तुम लोग को क्या ले गया, पैसा है पैसा। भाई डायरेक्ट 500 भाई, नहीं खरीद का नहीं। आई बात मेरा से उड़ा नहीं। दोस्त का यही प्रॉब्लम है, जहाँ भी कुछ ले जाओ पैसा तो खुद कोई सोचता भी नहीं सर। ठीक है यूं है 38 किलोमीटर टू 189 मारियांग 7 किलोमीटर यहाँ से, और दिस इज लागरू, लागरू मारियांग से जस्ट 7 किलोमीटर के बाद जो हमें लागरू मिलता है। तो आप इसको यूट्यूब में देखवाएंगे, अभी इसको भी आपको व्यू यूट्यूब में मिल जाएगा ये लागरू का। तो आगे हम लोग यूं पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं रहेगा। ओ यहाँ पे क्रशर, और ये है यामने जो पोंगिंग में सियांग और जो यामने का वो हम लोग को देखने को मिला था पोंगिंग व्यू में, यो है यामने, दिस इज यामने। रेनकोट पहनेगा, रेनकोट ये तेरा वाला है, ये मेरा वाला है, लेन ऑफ के रेनकोट पहने ब्रो गंगोल। और ये इंदू का ये है गोदाम है, छोटा सा गोदाम यार ऐसा। ये है गोबू एंड दिस इज द, दिस इज गोबू ब्लेज। जैसे आप ये कोलुंग पार करेगा तो आपको हमें गोबू मिलेगा। सो हियर इज गोबू का मैंने वेटिंग फॉर इन गोबू। एक सबसे सुंदर ये जिसको भी आता है ओए आई थिंक ओने गोबू, हाँ गोबू के लेकिन सुंदर है ना ये, हमें ऐसे ऐसे ही आर्टिफिशियल कुछ भी ना, नेचुरली ऐसे ही है, जस्ट सर्टेन एरिया। करेंगे नहीं आई भी तो लाए आई या सा ओपा ए कदियो आई जो आई भी लो नहीं आई भी तो लाए करला करला हां ओपा ए हां आई हां ऐसा इंटरनेट ना हां बारिश तो कमाल है भाई, जब से गोबू पंचायत तब से पूरा बारिश बारिश मेरे सोच रहा था क्या मैं आके वीडियो भी बनाएगा फ्रेंक, बट नहीं हो पाएगा यहाँ पे वीडियो इतना बंद ये बारिश। Here we are in Bang Kinyali. This is Bang Kinyali. Wow. Oh, Yingqiong. Yingqiong. This is Yingqiong. Yingqiong SBI. And here is the Yingqiong Main Road. Betul gari. Here is the Yingqiong Bank. And it's a bookstore. And Yaka Auditorium. Yingqiong. Oh, आज संडे मार्केट बंद, ओह नो, तो देखते हैं कैसे कि इसको स्कूटी को प्रेजेंट करते हैं अपने बहन को, मेरी प्यारी प्यारी बहन। तो मुझे भी नहीं पता कहाँ पे मेरा बहन रहता है उसके, तो कहीं में तो बैठ के कॉल करना पड़ेगा। तो इनका नहीं फिर ना ना किसे के बुलाएगा ना, तेरा नंबर से कॉल करके कुछ कॉरियर आ रहा है बोलेंगे कि ना एड्रेस कहाँ में बोल के, क्योंकि तेरा अननोन होगा। तो नहीं यह सोच में हमको नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता रे नहीं भाई, तो रख लो थोड़ा भाई। प्लानिंग क्या होगा, नहीं भाई ऐसे बोलेगा कुछ कोरियर आया है बोल देगा, क्या है बोलने से पापा का, हाँ मेरे पापा का वो ये पान कार्ड आना था, पान कार्ड आया है बोल देगा। हाँ एग्जैक्ट लोकेशन का भी बोलेगा उसके बाद ना, हाँ
हाँ उसका एक पैन कार्ड आया है बोले ना, आपका घर सामने में है ऐसा बोले भाई रुको ना रे क्या नंबर बोलिए हाँ अन्य रिकॉर्डिंग होगा नंबर बोलते हैं एक सामान आया है एक पार्सल आया बोलते हैं शायद पैन कार्ड होता होगा बोले ऐसे बोलेगा ना भाई शीश का है माला नंबर बोलो ना ये बोल लो साम लोग यिंकियोंग में पहुंच गया है सामने एंड साम लोग बहन का साथ क्या करेगा वो हम लोग को नहीं पता कि हम लोग आया बोल के तो मुझे भी नहीं पता उसका घर एग्जैक्ट कहाँ है सो ये अभी कॉल करके बोलेगा उसका भाई ये कौन सा जगह है भाई बोलो कि ये क्या बोलता है बोलो हाँ एक कोरियर सामान आया है पापा कोरियर आया है पैन कार्ड ऐसा है आपका भी भाई सो रहे क्या हेलो मैडम आपका वो एक कोरियर आया है नाम से अभी ये हम ऊपर में है पैन कार्ड है शायद हाँ 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 हो गई क्या बोलते हैं हम बाहर निकले रहा आप कौन सा में है हाँ 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 ये वो हमें जेल निकाल कर हम आ जाएंगे वो हमें आ जाएगा इसका गेट में ना हाँ हाँ ठीक है प्लानिंग तो बहुत कर गए ठीक है रेडी हार्ड ब्रो बहुत हार्ड ब्रो ओके चलो नहीं लेकिन अभी गूगल मैप देखो गूगल मैप भाई मेरा फोन कहाँ गया ब्रो ने हम लोग फोन मेरा वो भी लेके आओ तो पकड़ो पकड़ो गबो दे क्या गूगल मैप करो गूगल मैप ये दैट पासिगत कर इंद्रेश मेरा में भाई लोकेशन तेरे वहां में होता होगा अभी भी एक जी तेरे अभी तक चल रहे लगते हैं भाई सरप्राइज के लिए लगा रे लाइन में कभी सरप्राइज नहीं है कुछ भी शर्म लग रहा है पासी का टॉकिंग के तो मैं दिखा गया यहां पे खुलने रो पहले भाई लगता है मैं जीपीआरएस काम नहीं कर रहा था कैसे नहीं चले गए डायरेक्शन दिखाओ है डायरेक्शन भाई तंदा तुम्हें क्या मालूम नहीं क्या हाँ तुम्हें मालूम नहीं मैं कुछ नहीं मालूम नहीं ना हाँ आया नहीं तो कभी आने भाई वो देखो भाई भाई वो देखो मैं देखी बाप है हाँ भाई क्या बोलते हैं किसी जाए ले जाएगा भाई भाई रुको रुको मुड़ता हूँ वो दुकान भाई उधर में जाके तुम ये करो निकलने के लिए करो इसको सामान देखने बोलते सभी को दे दो अरे अब चलो आया
सरप्राइज वीडियो, देखो आपका गाड़ी कैसे लग रहा है बता। खुशी लग रहा है। एक्सप्रेशन ही नहीं था लेकिन बच्चन का लगता नहीं चाहिए, एक्सप्रेशन ही नहीं था लगता। दोनों के पास मोबाइल है। मेरा बहन का तो एक्सप्रेशन ही नहीं है। कोई बात नहीं, जो भी है जो भी है। ओके सो हम लोग यिंगक्योंग पहुंच के हम लोग दीदी को जो है हैंड ओवर कर दिया स्कूटी को। सो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, जस्ट तेल भरा कह रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग आज भी दूसरा रोड पकड़े, हम लोग मारंग से है तो अभी हम लोग वापस बोलेंग और गेकू पांगिन होके निकलेगा। एंड उसके बाद साथ साथ ही हम लोग एक और स्कूटी मिला विद ये है दूसरा दीदी कजिन दीदी का। सो इसको भी ये पास करो वापस पहुँचाना है। सो हम लोग डिलीवर का ही काम कर रहे हैं। पहले हम लोग दूसरा स्कूटी चोर के आ गया तो हम लोग सोच रहा था कि दूसरा हम लोग दो दो के आएगा, फिर एक और स्कूटी मिल गया वेस्पा और सबने टेस्ट ड्राइव कर दिया, सबने कभी चला के नहीं देखा है। सो हम लोग फिर यहाँ से जा रहे हैं। सो ये वीडियो इतना तक। सो थैंक्स यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर। गुड।